हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेजिटेरियन फूडीज किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ मेथी का पराठा और प्याज और टमाटर का रायता। तो रायते के लिए हम ले रखे हैं यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का टमाटर, एक छोटा प्याज, थोड़ा सा धनिया पत्ती, एक हरी मिर्च छोटी कटी हुई, 3 कली लहसुन और एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा कटा हुआ। और इसमें डालेंगे थोड़ी सी हम भुना हुआ धनिया। यहाँ पे इस कटोरी में दही ले रखे हैं और थोड़ी सी काला नमक और थोड़ा सा सादा नमक। इसमें हम इन सबको मिलाकर रायता तैयार कर लेंगे। हमारा ये रायता तैयार है, इसे हम ऐसे ही रख देंगे। इसमें पानी बिल्कुल नहीं मिलाएंगे क्योंकि ये प्याज और टमाटर जो है दही और नमक के कांटेक्ट में आने के बाद पानी रिलीज़ करता है, तो उससे ये थोड़ा खुद ही बाद में गीला हो जाएगा। और जीरे के जगह मैंने धनिया कह दिया था भुना हुआ, तो आप धनिया नहीं जीरा डालिएगा भुना हुआ इसमें। पराठा के लिए ये मेथी के पत्ते को 4-5 पानी से अच्छे से धोकर साफ़ करके ले लिया है, थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा अदरक और एक मिर्ची लिया है और नमक। इनको हम चॉपर में चॉप कर लेंगे, फिर आटे के साथ गूंद लेंगे। इसमें हम ये चॉप किया हुआ मेथी डाल देंगे और थोड़ा सा नमक और एक चम्मच तेल डालकर अच्छे से गूंद लेंगे। आटा हमारा गूंद कर तैयार है, तो अब हम इसके पराठे बना लेंगे। पराठा बनाने के लिए हम इस तरह से पेड़े बना लेंगे। तवा को गर्म होने के लिए रख दिया है गैस पे और इसे हम बेल लेंगे। सूखा आटा लगाकर इसे बेल लेंगे। इसमें हम इस तरह से तेल या घी जिससे आप बनाना चाहें लगा लें। इस तरह से मोड़कर चौकोर पराठा बना लेंगे। पराठा हमारा बेल कर तैयार है। इसे हम मीडियम फ्लेम पर पराठे को बनाएंगे। ज़्यादा तेज़ कर देंगे अगर फ्लेम, तो फिर पराठा हमारा अंदर से कच्चा रह जाएगा। पराठा हमारा जब दूसरी तरफ से भी थोड़ा थोड़ा सेंक जाए, तब हम इसमें ऊपर से तेल या घी जो भी लगाना चाहें वो इस तरह से लगा देंगे। पराठे को हम अपने यहाँ करारी करारी सेक लेंगे। ये पराठा हमारा सेक कर तैयार है। इसी तरह से हम अपने सारे पराठों को सेक लेंगे। हमारा पराठा सेक कर तैयार है, तो हमारा नाश्ता ये रायता और पराठा और मूंग दाल का रसवड़ा। तो आप भी अपने घर बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। और हमारे
चैनल को लाइक और शेयर भी कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियोज़ आपको मिलते रहें।